बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रही हो। ज़रा पास मैं नहीं आ सकती, लेकिन आसिम रियाज और शहनूर ज़रूर आ रहे हैं। वेल, मेरा गाना आपको कैसा लगा ये तो मुझे ज़रूर बताना, बेसुरा ही लगा होगा लेकिन फिर भी। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूँ आपको कि बदन पे सितारे लपेटे हुए 2.0 रेट्रो वर्जन आने वाला है बहुत जल्द। जी हाँ, यानी कासिम रियाज और शहनूर के साथ स्टेबिन बेन की आवाज़ में सारेगामा ऑफिशियल्स लेकर आ रहे हैं इस गाने को। वेल, ये गाना कितना पॉपुलर है ये हम सभी जानते हैं, और इस गाने में एक जो फील है आज तक भी ये गाना हम लोग को एक्साइट करता है, बहुत एंटरटेनिंग लगता है ये गाना। और अब जब इस गाने का 2.0 किकैस वर्जन आने वाला है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग। एंड जिस तरह का पोस्टर आउट हुआ है, शहनूर और आसिम यानी कि AS, ये दोनों किक एस लग रहे हैं, और आसिम तो भाई माशाल्लाह म्यूजिक वीडियोस पे म्यूजिक वीडियोस करते जा रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि लॉकडाउन से पहले ये सारी शूटिंग हो चुकी है, लॉकडाउन के टाइम ये शूटिंग हुई है, या फिर ये कब हुआ है, आसिम निकले हैं घर के बाहर और लगातार शूट पे शूट कर रहे हैं। बट भाई आसिम रियाज फैंस के लिए ये तो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि बदन पे सितारे लेकर आसिम रियाज बहुत जल्द आने वाले हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सॉन्ग। एंड इसका पोस्टर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फंकी, क्वर्की और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, फंकी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही कलरफुल ब्राइट पोस्टर है, जैसा कि ये गाना भी होने वाला है। सो रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एंड आई जस्ट होप, जैसे कि होता है रिमिक्सेस के ज़माने में, जब आप पुराने गाने को रिमिक्स करते तो एक प्रेशर भी होता है। सो प्रेशर में कभी कभी गाना जो है थोड़ा सा आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता है, लेकिन आसिम का अब तक रिकॉर्ड रहा है, जितने भी गाने आसिम के हैं सारे ऑडियंस को पसंद आए हैं। सो आई एम वेरी मच श्योर कि ये गाना भी डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि पोस्टर इतना क्वर्की, इतना ट्विंकलिंग पोस्टर और इतना कलरफुल पोस्टर है, तो मुझे बड़ा पसंद आया। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।